रानी ने महापिशाच को लेकर विद्या को किया आगा, पवित्रा को हुआ वीर पर शक। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पिशाचिनी में आप देखेंगे कि कैसे वीर और शिखा को ढूंढने पवित्रा, रॉकी, संचित और विद्या पहुंचाएंगे जंगल में, जिस दौरान वीर मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे, पवित्रा पर नहीं कर पाएंगे बात। हालांकि शिखा एन वक्त पर वीर के पास पहुंच जाएंगी, जिसके कारण वीर अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएंगे और सभी के साथ वापस घर लौट कर आएंगे। हालांकि इस दौरान जंगल में पवित्रा को एक नाखून मिलेगा, जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन अपने परिवार को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। हालांकि दूसरे ही दिन जब पूरा राजपूत परिवार भाई दूज की तैयारी में जुटा हुआ होगा, तब विद्या मिलने जाएंगी रानी से। जब रानी बताएंगी कि किस तरह रानी से भी खतरनाक महापिशाच घूम रहा है बाहर और वो अपना शिकार चुन चुका है, हालांकि उसे इस बात की खबर ही नहीं, जिससे विद्या काफी ज्यादा डर जाएंगी, लेकिन रानी के बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ रानी अपने पद को खतरे में देखकर काफी ज्यादा होंगी परेशान, खुद को छुड़ाना चाहेंगी पेड़ के शाखाओं से। मतलब ये देखना बाकी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वीर पवित्रा को पहुंचा पाएंगे नुकसान, या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट। टेलीविजन से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट एंड गॉसिप के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।